हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जब भी दोस्तों वो अपने घर में होते हैं और इंटरनेट चलाने की कोशिश करते हैं, कोई वीडियो ओपन करते हैं, तो वहां पे दोस्तों बहुत ज्यादा बफरिंग होती है, या फिर दोस्तों इंटरनेट चलता ही नहीं है, या फिर दोस्तों वो किसी को कॉल लगाते हैं तो या तो दोस्तों कॉल ड्रॉप्स होती है, या फिर दोस्तों आवाज जो है बहुत ज्यादा कट कट कर आती है। तो इसके लिए दोस्तों या तो वो छत पे जाते हैं अपने घर की, या फिर दोस्तों घर से बाहर निकल जाते हैं, तभी दोस्तों समस्या का समाधान होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सोल्यूशन कि आप घर में रहकर ही इंटरनेट चला पाएंगे और किसी को कॉल करेंगे तो ना ही दोस्तों कॉल ड्रॉप होगी और ना ही दोस्तों वहां पर आपकी आवाज कटने वाली है। तो इसका फुल सोल्यूशन आपको मिलेगा और ये होता क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को बाय शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि जब दोस्तों हम घर में जा रहे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण कि हम जो है इंटरनेट भी नहीं चला पा रहे और जो है हम जो किसी को कॉल कर रहे हैं तो वहां पे भी कॉल ड्रॉप हो रही हैं। ये दोस्तों होता है सिग्नल स्ट्रेंथ के कारण कि आपके फोन में जो सिग्नल आ रहे हैं, जो भी आपने नेटवर्क चूज किया है उसमें जो सिग्नल आ रहे हैं वो दोस्तों कितने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आपको चेक करना होगा और वहां पे दोस्तों ये जो सिग्नल होते हैं वो होते हैं डीवीएम में, और ये दोस्तों माइनस में होते हैं। तो माइनस में जितने कम होंगे उतने ही आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, और माइनस में जितना ज्यादा होगा उतनी दोस्तों आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो वहां पे बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाएगी। तो अगर दोस्तों आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ -55 से लेकर अगर 85 तक आ रही है तो समझ लीजिएगा आपका नेटवर्क बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपका इंटरनेट सही चलेगा, आपकी कॉलिंग सही चलेगी। और अगर दोस्तों आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो -85 से लेकर अगर लगभग 115 तक ज्यादा है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो थोड़ा वीक है, वहां पे हल्की फुल्की आपको कॉल ड्रॉप्स दिख सकता है और नेट भी थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन ठीक ही ठाक चल जाएगा और दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो -15 से ज्यादा है तो ये समझ लीजिए कि आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पुअर है और वहां पे दोस्तों आपकी कॉल ड्रॉप तो 100% ही होगी, आवाज कटेगी कॉलिंग पे और इंटरनेट जो है बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये जो है सिग्नल स्ट्रेंथ को आपको सबसे पहले समझना होगा अपने फोन में। तो आप जो है अपने फोन में भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, किसी भी कंपनी का एंड्रॉइड फोन हो, सभी में सिग्नल स्ट्रेंथ देखने के लिए एक ही प्रोसेस करनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जाना होगा सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना होगा सिस्टम में और यहाँ पे अबाउट में जाना है, अबाउट फोन में, और इसमें दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्टेटस का, तो स्टेटस में आपको जाना है और सिम स्टेटस यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सिग्नल स्ट्रेंथ देख सकते हैं कि आपके फोन में कितनी सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही है। अगर दोस्तों आपके पास एप्पल का फोन है तो उसमें भी दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा डायलर में, और डायलर में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको *300001 उसके बाद #1234545 उसके बाद ** और डायल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे LTE पे आपको जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है सर्विस सेल मैस, इसमें आपको जाना है। यहाँ पे दोस्तों ये जो आ रहा है RSRP0, तो यहाँ पे दोस्तों RSRP0 जो है वो आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो -103। तो ये है दोस्तों आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है एप्पल डिवाइस में। दोस्तों, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन में कितनी सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही है। अगर कम आ रही है तो इसके लिए दोस्तों आपको एक डिवाइस परचेस करनी होगी। ये वो डिवाइस है जिसे दोस्तों आप अमेजोन से या फिर मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक एंटीना मिलता है, थोड़ी यहाँ पे वायर दी जाती है, एक डिवाइस दी जाती है, उसका अडेप्टर दिया जाता है जिससे आप इसे पावर दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एंटीना जो है आपको अपने घर की छत पे लगाना होता है और वायर के द्वारा दोस्तों वो वायर आ जाएगी आपके घर के अंदर, वहां पे दोस्तों आपको डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ेगी उस
उस वायर से, ताकि जो एंटीना से जो भी सिग्नल आएंगे वो वहां पे कैप्चर कर सके उसे, और उसे दोस्तों डिवाइस को आपको पावर देनी होगी। उसके बाद दोस्तों ये जो सिग्नल है आपके 10 मीटर के अंदर ये जो है सिग्नल जो है वो आपको मिलने लगेंगे, मतलब जब आप अपने स्मार्टफोन में देखोगे तो वहां पे दोस्तों 10 मीटर के अंदर जो है वो सिग्नल आपके बढ़ जाएंगे, मतलब आपके घर के अंदर फिर आपको अच्छे सिग्नल मिलने लगेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर 115 से ऊपर सिग्नल आ रहे हैं तो ये अच्छे सिग्नल आपको देने लगेगा कि आपका जो है कॉल भी ड्रॉप ना हो, आपका इंटरनेट भी सही चलने लगे। तो ये है दोस्तों इसका सॉल्यूशन, इसके लिए आपको एक डिवाइस परचेस करनी होगी, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ये दोस्तों 100% काम करता है, आप इसकी YouTube पे और भी वीडियोस देख सकते हैं जहां पे दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ये 100% काम करता है। जहां पे सिग्नल कम आते हैं वहां पे दोस्तों इसी डिवाइस का यूज किया जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि ये डिवाइस आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक एक्साइटिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।